अब बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, और इसकी थर्ड एप्लीकेशन में कंसिडर करते हैं हीट ट्रांसफ़र बिटवीन अ फाइनाइट बॉडी एंड अ TER। तो मैंने एक TER ले लिया है। TER का मतलब है कि इसकी जो हीट कैपेसिटी वो है आपकी इनफाइनाइट, ठीक है। मींस इसमें कितनी भी हीट एंटर हो या इसमें से कितनी भी हीट रिजेक्ट हो, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जो कि है T0, ठीक है। एक मैंने ले ली फाइनाइट बॉडी का टेम्परेचर T है, और अज्यूम करा कि फाइनाइट बॉडी से TER में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज़ ट्रांसफरिंग, एंड लेट से T इज़ ग्रेटर देन T0, ठीक है। जब T T0 से बड़ा होगा तभी फाइनाइट बॉडी से TER में हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी प्रिंसिपल, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये हो गया आपका एंट्रोपी प्रिंसिपल। सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अब इसमें अज्यूम करा मैंने कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, एक मैंने बाउंड्री ले ली, ठीक है, और इसको एज अ होल एक सिस्टम कंसिडर करा, और जो सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, सराउंडिंग मतलब जो भी हीट लॉस हो रहा है वो मैंने जीरो मान लिया, ठीक है। नाउ चेंज इन यूनिवर्स इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कितना हो गया? जीरो, क्योंकि हीट इंट्रैक्शन ही नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ। चेंज इन सिस्टम एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो गया? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब हमारे को ये वैल्यूज निकालनी है। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए विल बी, ये फाइनाइट बॉडी है, ठीक है। लेट से इसका जो मास है एम है, सी इसकी स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? क्यू बाई टी होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई टी। और इसमें ये गौर करने की चीज़ है कि कब तक इसमें हीट इंट्रैक्शन होगा? जब तक बॉडी ए का टेम्परेचर ड्रॉप होके टी नॉट हो जाए, ठीक है। अभी टी है, अगर ये ड्रॉप होते होते टी नॉट हो जाए इस बॉडी ए का टेम्परेचर, तो हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगा, क्योंकि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर टी नॉट हो जाएगा उस वक्त, ठीक है। सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डो क्यू बाई टी एंड फ्रॉम टी इज इक्वल्स टू टी टू टी नॉट, ठीक है। बॉडी ए के लिए इनिशियल टेम्परेचर टी है, फाइनल टेम्परेचर टी नॉट है। नाउ इट विल बी डो क्यू को हम लिखेंगे एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी नॉट, ठीक है। एम सी क्या बन जाएगा? एम इंटू सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू कैपिटल सी। ये हो गई आपकी हीट कैपेसिटी, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। मास से जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट कैपेसिटी बन गया कैपिटल सी। सो एम सी बाहर आ गया एज अ कॉन्स्टेंट, और ये बन गया कैपिटल सी, ठीक है। और 1/T का इंटीग्रेशन एल एन टी नॉट बाई टी, ठीक है। तो ये आ गया आपकी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ए। नाउ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम बी इज इक्वल्स टू सिंपली इस ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ले रहा है क्यू बाई टी नॉट, ठीक है। तो ये आ गई इसकी चेंज इन एंट्रोपी। कोई भी अगर TER है, ठीक है, TER है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है अगर, तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी डायरेक्ट हम क्यू बाई टी नॉट लिखते हैं, उसमें इंटीग्रेशन नहीं करते, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो वेरी नहीं करता। जो भी फाइनाइट बॉडीज होती हैं अगर उनकी हमें एंट्रोपी लिखनी है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनका टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। सो फटाफट से चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी। डेल्टा एस ए हो गया आपका सी एल एन टी नॉट बाई टी प्लस Q
क्यू अपॉन टी नॉट. सो दिस इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, देख लेते हैं. मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम फाइनाइट बॉडी एंड TER. अभी हमने देखा था कि चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, ऑफ द यूनिवर्स बिटवीन फाइनाइट बॉडी एंड TER निकाली थी. इसी में हम देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम वर्क है जो हमें ऑब्टेन हो सकता है फ्रॉम द हीट इंजन, इफ द हीट इंजन इज अप्लाइड बिटवीन अ फाइनाइट बॉडी एंड अ TER, तो इस प्रकार जो मैक्सिमम वर्क है वो कितना आएगा. ठीक है, सो लेट अज्यूम द Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द हीट इंजन एंड Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड बाय द हीट इंजन. ठीक है, एक फाइनाइट बॉडी है, मास और स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटीज की C है. ठीक है, और Q2 कितना हो जाएगा. ठीक है, Q2 हो जाएगा Q1 माइनस W नेट. ठीक है, Q2 क्या हो गया, Q1 माइनस W नेट. ठीक है, अब हमारे को पता है एंट्रोपी प्रिंसिपल, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, इसको मैंने एज अ सिस्टम होल कंसिडर करा. ठीक है, ये आपका रिवर्सिबल हीट इंजन है. ठीक है, जो सराउंडिंग के साथ हीट इंटरेक्शन है, सराउंडिंग ये मैंने जीरो मान ली. ठीक है, लेट अस अज्यूम द सराउंड इंटरेक्शन, हीट इंटरेक्शन विद सराउंडिंग इज जीरो. ठीक है, अब इस सिस्टम में आपके तीन बॉडीज हैं, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी. ठीक है, एक फाइनाइट बॉडी है, एक TER है, एक हीट इंजन है. ठीक है, सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू ∇SA प्लस ∇SB प्लस ∇SC, ठीक है, प्लस ∇S सराउंडिंग. ठीक है, जो आपका ∇S सराउंडिंग है ये तो हो गया जीरो. ठीक है, ∇S सराउंडिंग हो गया जीरो. ये पूरा एक सिस्टम है. ठीक है, अब एक बार हम सी के लिए देख लेते हैं, चेंज इन एंट्रोपी ∇SC. ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी फॉर सी. अब सी क्या है, आपका एक रिवर्सिबल हीट इंजन है जो कि साइक्लिक प्रोसेस पे काम कर रहा है. सो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds क्या होता है, जीरो, क्योंकि जो आपकी एंट्रोपी है, एंट्रोपी ये है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम. ठीक है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा, एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होता है. तो अगेन यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं जीरो. ठीक है, सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू ∇SA प्लस ∇SB. ठीक है, ∇SA कितना हो जाएगा, इसका टेम्परेचर dQ/T, और इसका टेम्परेचर, इसमें से ये फाइनाइट बॉडी है. ठीक है, ये आपकी TER है. अब ये फाइनाइट बॉडी में से हीट इंट्रैक्शन जब तक होगा जब तक इसका टेम्परेचर TER के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए. सो इनिशियल द टेम्परेचर इज T, द फाइनल टेम्परेचर इज T0 प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ B कितना हो गया, Q1 माइनस W नेट डिवाइडेड बाय T0. ठीक है, ये हो गया आपका, और इसको MC dT/T, टी से टी नॉट इक्वल प्लस Q1 माइनस W नेट डिवाइडेड बाय T0. इसको लॉग लेके सॉल्व करूँगा, ln T0/T. ठीक है, MC हो गया आपका कैपिटल सी ln T0/T प्लस Q1 माइनस W नेट डिवाइडेड बाय T0. ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये है आपकी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स. अब एंट्रोपी प्रिंसिपल कहता है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, सो अब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की जगह मैं ये लिख देता हूँ C ln T0/T प्लस Q1 माइनस W नेट डिवाइडेड बाय T0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, अब ये T0 का LCM ले लेते हैं, तो C ln T0/T into T0
प्लस क्यू वन माइनस डब्लू नेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आता है सबको। अब मेरे को डब्लू नेट चाहिए, डब्लू नेट चाहिए, सो डब्लू नेट को इधर ले लेते हैं। डब्लू नेट इज लेस देन इक्वल्स टू सी एल एन टी नॉट बाय टी इन टू टी नॉट प्लस, अब ये क्यू वन बचा, क्यू वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू वन इक्वल्स टू एम सी, एम सी क्यू वन क्या है एक्चुअली, क्यू वन देखें अगर हम, तो क्यू वन है आपकी हीट रिजेक्टेड फ्रॉम अ फाइनाइट बॉडी। सो हीट रिजेक्टेड फ्रॉम अ फाइनाइट बॉडी एम सी फाइनल टेम्परेचर टी नॉट माइनस इनिशियल टेम्परेचर टी वन, सॉरी टी, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर टी माना है इसका, लेकिन ये एज अ हीट रिजेक्ट हो रही है तो इसको मेरे को नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन के साथ इसको कंसिडर करूँगा तो एम सी टी माइनस टी नॉट हो जाएगा ये, ठीक है, नेगेटिव को मैंने अंदर ले लिया, एम सी टी माइनस टी नॉट, तो यहाँ पे एम सी टी माइनस टी नॉट, ठीक है, हीट क्यू वन की जगह रख देता हूँ एम सी टी माइनस टी नॉट, ठीक है, ये हो गया आपका डब्लू नेट। ठीक है, और इसको मॉडिफाई कर दें अगर, क्योंकि हम एम सी को कैपिटल सी लिख सकते हैं, डब्लू नेट इज लेस देन इक्वल्स टू सी एल एन, सी को कॉमन ले लिया, टी नॉट बाय टी इंटू टी नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट। ठीक है, एम सी को कैपिटल सी लिख दिया और सी को इसमें से कॉमन ले लिया, सो ये आ गया आपका डब्लू नेट। ठीक है, अब मेरे को पता है कि ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस होती है इक्वल्स टू जीरो, और ये ग्रेटर देन जीरो होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, उसको मैं इक्वल्स टू से, केवल इक्वल टू से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सारा आपका प्रोसेस हो रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इसी में अगर मैं वर्क में इसको और लिख सकता हूँ, डब्लू नेट मैक्सिमम, ये आपका आ गया मैक्सिमम वर्क, सी एल एन टी नॉट बाय टी इंटू टी नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये आपका आ गया मैक्सिमम वर्क ऑप्टिमेबल फ्रॉम अ फाइनाइट बॉडी एंड अ टीईआर। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।